हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे हमारे जेमिनाइज के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी जेमिनाइ है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, जेमिनाइ ये एक जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना इस रीडिंग से, ठीक है। एंड ये रीडिंग है आपका अक्टूबर 15th से लेके अक्टूबर 31st 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी जेमिनाइ। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम स्पिरिट। ओके, सो योर फर्स्ट कार्ड इज द एट ऑफ कप्स एनर्जी। जेमिनाइ, जेमिनाइ इज इन लव स्पिरिट। द टावर, मुझे डिसीशन वर्ड सुनाई दे रहा है। सो मे बी जेमिनाइज आप अपने लव सिचुएशन में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीशंस ले रहे हो, या आप कुछ, या एग्जैक्टली द चैरियट, आप कुछ डिसीशन लेने के बारे में सोच रहे हो यहाँ पे। मे बी आप बहुत लोगों के लिए ये डिसीशन है कि आपको, आप मे बी एक कनेक्शन, एक मैरिज या एक सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हो, या आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो एंड उस चीज़ को लेके आप कन्फ्यूज्ड हो। लेट्स सी द स्टार, या द फूल एनर्जी। कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये आपके साथ, आपके पर्सन का रिकन्सिलिएशन हो पाएगा या नहीं। बॉटम डेक एनर्जी है द डेविल एनर्जी। सो कुछ जेमिनाइज यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने जो ये पर्सन है इनके साथ एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो सकते हो, जहाँ पे आई फील दैट आपको लगता है आपका पूरा हैप्पीनेस, आपका पूरा सब कुछ इस पर्सन पे डिपेंड करता है एंड आप इस लाइक ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बाकी कुछ जेमिनाइज के लिए आई कैन फील दैट आपको यहाँ पे एक डिसीशन पे आप अटके हुए हो। यहाँ पे एक डिसीशन है कि क्या आपको इस कनेक्शन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। क्या ये पर्सन वापस आएंगे, क्या इस सिचुएशन में एक नई शुरुआत होगी, या ये सिचुएशन ऐसे ही चलता रहेगा प्रॉब्लम्स के साथ, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। सो आपके मन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ सवाल है, कुछ डिसीशंस है जो आपको लेना है जेमिनाइ। नाउ आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे अटके हुए हो इस जगह पे। आपके पास या तो आप इस कनेक्शन में रहोगे, या तो आप कम्प्लीटली फॉरवर्ड मूव करोगे, कम्प्लीटली अपने लाइफ में एक न्यू बिगेनिंग करोगे, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पे, आप आई थिंक अपने लव सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। या तो थर्ड पार्टीज़ है, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, गॉसिप है, ड्रामा है, एंड आप काइंड ऑफ चाहते हो इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव करवाना। आप काइंड ऑफ इस कनेक्शन में एक न्यू बिगेनिंग चाहते हो, बट आई फील दैट आपको पता नहीं है कैसे। आप होपफुल तो हो, आप चाहते तो हो, आप प्रे कर रहे हो, आप विश कर रहे हो, बट कैसे होगा, क्या होगा, उसका आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं मिल रहा है, जिस कारण से आप काइंड ऑफ एक लो वाइब्रेशनल मोड में आ गए हो, जहाँ पे आप हर एक चीज़ों को सवाल कर रहे हो। मे बी आप इस कनेक्शन पे सवाल उठा रहे हो, इस मैरिज पे, इसके फ्यूचर पे, इस इंसान पे, उनके बिहेवियर पे, हर एक चीज़ पे, ठीक है। जो सिंगल जेमिनाइज हो, आई थिंक जेमिनाइ इस वक्त आप लव को अवॉइड कर रहे हो। आपको लग रहा है दैट लव बहुत ही एक यू नो कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, इशू है, ठीक है जेमिनाइ। सो आई थिंक सिंगल्स जो है आप काइंड ऑफ लव को अवॉइड कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ सिंगल्स है, मे बी आप किसी से अट्रैक्टेड फील कर सकते हो जेमिनाइ। अक्टूबर 15th टू अक्टूबर 31st आपको किसी से ये अट्रैक्शन फील हो सकता है, बट आई थिंक दैट आपको जिससे अट्रैक्शन फील हो सकता है वो इंसान या तो ऑलरेडी कमिटेड है, या तो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, या तो आप दोनों में कुछ एक इशू है, कुछ डिफरेंसेस है, कुछ अलग है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिस कारण से आपको लगता है दैट आप जिसको पसंद करते हो या जो आपको पसंद आए हैं,
लाइक उनके टॉपिक में आप जब भी सोचते हो आपको सिर्फ ड्रामा दिखाई देता है, झंझट, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है. बट आई थिंक कुछ सिंगल जेमिनाइज है जो आपको कोई नया इंसान है जो अट्रैक्टिव लग सकते हैं, जो आपको पसंद आ सकते हैं. ठीक है, सो उस पे ध्यान देना है कि कौन आपको पसंद है एंड वो इंसान क्या उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो कहीं और रिलेशनशिप में है, क्या वो सिंगल है, क्या वो उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स है. तो जब भी आपको कोई नया पर्सन अच्छा लगे, एटलीस्ट अक्टूबर में, आई थिंक आपको कुछ भी स्टेबल डिसीजन लेने से पहले एक बार उस पर्सन के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी बेटर है आपके लिए. ठीक है, सिंगल्स. ओके ओके, अब देखते हैं दैट जो लोग यहाँ पे किसी के साथ डील कर रहे हो, इस पर्सन की एनर्जीज क्या है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. या कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या हो. ठीक है, अगर आप हो आपको ऑलरेडी पता है, सो नहीं पता है अगर तो पैनिक मत करो. क्वीन ऑफ सोर्ड्स. एंड ये वाइस वर्सा भी हो सकता है एनर्जी. सो मे बी आप मैरिड हो या थर्ड पार्टी में हो, डज नॉट मैटर. सो आपको जैसे रेजोनेट कर रहे हैं आप वैसे ही लेना इस जनरल रीडिंग को. जस्टिस. ओके, लीब्रा. द वर्ल्ड. सो आई थिंक जेमिना यहाँ पे आपके पर्सन का जो एनर्जी है, जो लोग किसी से डील कर रहे हो, यहाँ पे मुझे एक चॉइस नज़र आ रहा है. या तो ये पर्सन दो लोगों में से किसी एक को चूज़ कर रहे हैं. बॉटम डेक है 10 ऑफ कप्स. या तो ये पर्सन दो लोगों में से किसी एक लोग को चूज़ कर रहे हैं, आपको या किसी और को, या फिर उनके फैमिली और आपके बीच में ये पर्सन किसी को चूज़ करना चाहते हैं, या ये पर्सन किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वो फील कर रहे हैं. उनको लग रहा है इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, या तो आपके इस रिलेशनशिप के वजह से, या उनके लाइफ में उनके फैमिली के वजह से, उनके काम की वजह से. उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है. नाउ आपके जो पर्सन है उनको ये भी लगता है जेमिनाई दैट आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो. ठीक है, मे बी आपने कुछ उनको कहा है, या आपने उनको कुछ अल्टीमेटम दिया है, या आपने कहा है दैट मुझे ऐसे इंसान पसंद है, वैसे पार्टनर्स पसंद है, ये कमी वो कमी. सो आई थिंक उनको ऐसा लगता है दैट आप उनमें कुछ कमियां देख रहे हो, या आपको उनमें कुछ कमियां दिखती है हमेशा. आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो उनके डिसीशन से, या उनके एक्शन वगैरह कुछ भी, यू नो, उनसे बेसिकली. बट आई थिंक ये पर्सन आपके कनेक्शन के बारे में होपफुल है जेमिनाई, बट इस वक्त ये पर्सन ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे. इस वक्त ये पर्सन आपको या आपके कनेक्शन को नंबर वन प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं, बिकॉज इस वक्त ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ टेंशन या स्ट्रेस में है. हो सकता है ये स्ट्रेस उनके फैमिली के वजह से, उनके काम के वजह से, उनके हस्बैंड या वाइफ के वजह से, उनके बच्चों के वजह से. बट डेफिनेटली ये पर्सन अंडर प्रेशर है, बहुत ही मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर. कुछ लोगों के लिए फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ा एक इश्यू है, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, मे बी उनके पेरेंट्स, मे बी अगर वो मैरिड है तो उनका वाइफ या हस्बैंड या बच्चे. सो फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ है आपके इस रीडिंग में जेमिनाई. फैमिली एक ब्लॉकेज बन सकता है आपके इस सिचुएशन में, आपकी या उनकी फैमिली, डज नॉट मैटर. बट आई थिंक आपके पर्सन होपफुल तो ज़रूर है आपके सिचुएशन को लेके, बट इस पर्सन के पास कुछ ज़्यादा एक्शन इस वक्त नहीं है कि ये कुछ एक्शन ले, या आपको कुछ करके बताए या दिखाए, या यू नो, आपको इम्प्रेस करे. बिकॉज इस पर्सन को ऐसा फील होता है दैट ये कुछ भी कर ले आप इनसे इम्प्रेस नहीं होते हो, या आपको ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं. ओके, सो इस वक्त ये आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं. बट हाँ, ये होपफुल है दैट फ्यूचर में मे बी आप दोनों के बीच में कुछ फिर से हो सकता है. ठीक है, अगर मैं जोड़िया की बात करूँ, मेरे पास है लीब्रा एनर्जी, कैंसर एनर्जी, टॉरस एनर्जी, एरीज है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है. ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन. एंड जेमिनाइज, देखते हैं आपका करियर सिचुएशन क्या है. ओके, लेट्स सी योर करियर सिचुएशन जेमिनाई.
career situation for my Geminis. Wow, Queen of Pentacles. Three of Wands here. Gemini, I feel that आप कुछ manifest कर रहे हो अपने career, अपने finances में, ठीक है? But आपका manifestation एक decision या action पे रुका हुआ है, that is what I'm hearing. So maybe आप एक promotion को manifest कर रहे हो, मैं बस example ले रही हूँ, ठीक है? मान लो आप एक promotion को manifest कर रहे हो, आप एक promotion चाह रहे हो, but I think आपका manifestation इसलिए पूरा नहीं हो रहा है immediately, because कोई एक चीज़ है जो या तो आप नहीं कर रहे हो, या आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, या फिर आपको you know, आपको पता नहीं है कुछ, ठीक है? Let me see. Yeah. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कह दूँ, आपके लिए फिनेंशियल अबंडेंस आएगा, ठीक है? आप जो फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हो, आपको जितना पैसा, जितना सैलरी, जो जॉब, जो बिजनेस आपको करना है, देखना है, आप डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जेमिनी. आपका ब्लेसिंग आपके तरफ आ रहा है, ठीक है? आपका मैनिफेस्टेशन आपके तरफ आ रहा है, आपका प्रेयर्स जो है अपने फाइनेंसेस को लेके वो भी पूरा हो रहा है. बट यहाँ पे एक चीज़ है जो एक एनर्जी है, इज़ कि यहाँ पे कुछ है जो आप पूरा नहीं कर रहे हो. आपके साइड से कोई एक एक्शन है जो आप नहीं ले रहे हो, आपके साइड से एक डिसीशन है, या आपको कुछ चेंज करना है जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है? सो थोड़ा सा यहाँ पे जो एनर्जी बन रहा है वो ये है जेमिनी की, आप बैठ के आप तो इमेजिन कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सब कुछ चाह रहे हो, प्लान कर रहे हो, मे बी आप एक्शन भी कर रहे हो, बट आप 100% एक्शन नहीं कर रहे हो. मे बी आपको पता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है, बट आप उस चीज़ को टाल रहे हो. मे बी आपको पता है दैट आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीशंस लेना है, बट आप उन डिसीशंस को लेने से डर रहे हो, या यू नो टाइम वेस्ट कर रहे हो, या आप खुद को कहीं और पे और बिजी रख रहे हो. जो और एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, दैट आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो भी चाह रहे हो, बट आपको वहाँ पे अपना एनर्जी जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सपोज आप एक प्रमोशन चाहते हो, बट आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कहीं और जाके मेहनत कर रहे हो, कहीं और बिजनेस में, कहीं और अपने घर में, अपने ऊपर, बट जहाँ पे आपको एक्चुअली में ज़्यादा मेहनत करना है, आप वहाँ पे एफर्ट ना लगा के आप इधर उधर शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, या इधर उधर कुछ और कर रहे हो, साइड बाय साइड आप कुछ काम ढूंढ रहे हो, या फाइनेंसेस ढूंढ रहे हो, ब्लेसिंग ढूंढ रहे हो, बट आपका मैक्सिमम एनर्जी जिस जगह पे होना चाहिए, आई डोंट फील जेमिनी आपका एक्चुअल एनर्जी उस जगह पे है. आप मेहनत कर रहे हो, बट मैक्सिमम मेहनत आप एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेडली नहीं कर रहे हो. आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे मल्टीटास्क कर रहे हो, आप एक साथ में सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे डिसीशंस, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा काम, ये भी कर रहे हो, साइड में कुछ और कर रहे हो, उसके साइड में कुछ और कर रहे हो. आई डोंट फील आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत है. आपका जो भी मेन काम है, जहाँ पे आप सक्सेस चाह रहे हो, ठीक है, आपका जो भी ये प्रेयर है, आपका जो भी ये मैनिफेस्टेशन है, आप जो भी यहाँ पे चाह रहे हो, अपना मैक्सिमम एनर्जी उस जगह पे लगाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, आपको वो बहुत ही जल्दी मिलेगा. इट्स ऑन द वे. आपका प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, आपका फिनेंशियल जो अबंडेंस है, करियर में आपका जो अबंडेंस है, वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा जेमिनी, ठीक है? इट्स द टाइम इज़ योर्स जेमिनी, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है. Okay, spirit of water, universal messages for my Geminis, please. Freedom horse. Eagle medicine. Okay. Thunder drum. Interesting. Okay, मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है control. Control. I think Gemini October 15th to 31st आपके लिए जो होगा, that is आप control feel करोगे.
आपको लगेगा पूरा लाइफ आपके कंट्रोल में है, चाहे वो आपका करियर हो, आपका लव सिचुएशन, फ्रेंडशिप, फैमिली, कुछ भी, ठीक है, जो आपके लिए मायने रखता है, आपका हेल्थ, आपका हैबिट, आपका लाइफस्टाइल, पूरा चीज़ आपके कंट्रोल में है, ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो. फॉर सम ऑफ यू जेमिनाइज, आई कैन ऑल्सो सी मे बी आप वैकेशन पे जा रहे हो, आप घूमना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, हॉलीडे पे जाना चाहते हो, वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, ठीक है. कुछ लोग अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हो, इमोशनल पेन है, मेंटल पेन है, कुछ स्ट्रेस है आपको, बहुत टेंशन हो रहा है, मे बी आप मेडिसिन्स ले रहे हो, आप नींद की गोलियां ले रहे हो, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, आई थिंक आप लोगों के लिए भी वैकेशन पे जाना, हॉलीडेज़ पे जाना अगर पॉसिबल हुआ तो वो एक बहुत अच्छा एक एक रिन्यूड एनर्जी हो सकता है. बट ऐसे टाइम पे बाहर जाना भी नहीं चाहिए, आई नो, बट इवन इफ अगर आप थोड़ा सा टाइम अकेले स्पेंड करोगे अक्टूबर में, या फिर आप वही करोगे जो आपको अच्छा लगता है, सेल्फ लव, खुद को पैम्पर करना, अपना ख्याल रखना, इट विल बी बेटर. एंड ऑल्सो जेमिनी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब आपको लगे दैट आप एक ऐसे सिचुएशन में हो लाइफ में जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चाहे वो आपका लव सिचुएशन हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली, जो भी हो, अगर आपको लगता है यहाँ पे बहुत ड्रामा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हर कोई अपना अपना कह के जा रहा है, कोई आपका सुनना नहीं चाहता, या आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करे, नहीं करे, कौन सा डिसीजन ले, हर एक जन दूसरे दूसरे चीज़ों का एडवाइस देते फिरते हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, जेमिनी, इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें एंड एक स्टेप पीछे लें, एक स्टेप पीछे ले उस झंझट से, उस जगह से जहाँ पे आप हैं या हो सकते हो फ्यूचर में, एक एक स्टेप पीछे लेके आप पूरे चीज़ को एक थर्ड पार्टी के नज़र से देखें, एक अलग स्ट्रेंजर इंसान के नज़र से देखें कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है, लॉजिक क्या है, कौन क्या करना चाहता है, किसका क्या इंटेंशन है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है. बिकॉज़ कभी-कभी अगर आप एक झंझट के अंदर होते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, किसका क्या मतलब है, कौन क्या चाहता है, एक्चुअली क्या है, रियलिटी क्या है. सो आपका यही एडवाइस है कि आप उस जगह से एक स्टेप पीछे आए, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, दिमाग को शांत करें एंड देन सोचें एग्जैक्टली रियलिटी क्या है, ठीक है. उससे क्या होगा, उससे आपको बेटर डिसीशंस आप ले पाओगे, आप रियलिटी को और भी अच्छे से देख पाओगे, आपको बेटर चीज़ें समझ में आएगा, यू विल फील बेटर जेमिनी. एंड जेमिनी आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे आप बहुत सारे लोग यहाँ पे आप इस वक्त आपको जो मिलेगा वो है फ्रीडम. सो ये फ्रीडम हर किसी के लिए अलग है. कुछ लोगों के लिए फ्रीडम है कि आप किसी ऐसे जगह पे थे, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप या मैरिज या फ्रेंडशिप में थे, घर में थे, एनवायरनमेंट में थे जहाँ बहुत टॉक्सिसिटी था, जहाँ के लोग बुरे थे, जो जहाँ के जो जगह आपके लिए हानिकारक है, जो जगह आपको डिस्ट्रॉय कर रहा था, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ड्रामा क्रिएट कर रहा था, आई थिंक आपको उस जगह से छुटकारा मिलेगा. कुछ लोगों के लिए ये मे बी आपका हॉलीडेज है जिसका मैं बात कर रही थी, कुछ लोगों के लिए ये आपका स्ट्रेस है, टेंशन है, रोज़ का काम है, जहाँ से मे बी थोड़ा सा आपको फ्रीडम मिले, थोड़ा सा आपको सांस लेने का जगह मिले, थोड़ा सा आप बेटर फील करो, रिलैक्स्ड फील करोगे अक्टूबर में, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ये फ्रीडम हो सकता है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे कि आपको अपना पैसा कमाना था, अपना पैसा चाहिए था, अपनी खुद की नौकरी चाहिए थी, मे बी वो फ्रीडम आपको हासिल हो रहा है कहीं से. सो आपके लिए जो भी फ्रीडम आपको चाहिए, आई थिंक वो फ्रीडम आपके लिए आ रहा है, वो फाइनेंशियल हो, वो मेंटल हो, फिजिकल हो, जैसा भी हो, ठीक है. कुछ लोग यहाँ पे फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरिड हो, ठीक है, किसी कुछ होने वाला है, कुछ इवेंट वगैरह है जिसे लेके आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो कि क्या होगा, नहीं होगा. व्हाट आई एम सेइंग इज़ आपके जो गाइड्स, एंजल्स या आपके गॉड, यूनिवर्स, जिसमें भी आप मानते हैं, आई फील आपके एंजल्स आपके साथ में हैं, ठीक है. सो डोंट वरी, जो भी होगा उससे पहले अगर आपको डर लग रहा है कि कुछ नेगेटिव होगा होगा, आपके जो एंजल गाइड्स हैं वो आपको पहले से हिंट दे देंगे, वो आपको पहले से बता देंगे, वो आपको पहले से जानकारी दे देंगे. सो उसके बारे में डोंट वरी कि क्या होगा,
आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जानकारी चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो आपको मिलता रहेगा प्रोसेस के थ्रू, ठीक है? सो डोंट फील डिसहार्टेंड या नेगेटिव कि ना क्या होगा, नहीं हुआ, ये वो हज़ारों चीज़ें, नेगेटिव मत सोचो, बिकॉज़ आपको जो हेल्प चाहिए होगा वो हेल्प आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा आपके एंजल्स से, आपके गाइड, आपके एंसेस्टर्स से, ठीक है? सो डोंट वरी, एंड आई थिंक आपको इमोशनल फ्रीडम भी मिलेगा यहाँ पे विद दैट वाटर स्पिरिट, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मे बी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन में थे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, मे बी हार्ट ब्रेक के थ्रू जा रहे हो या जा रहे थे, आई डोंट नो, बट इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा लाइट और हैप्पी फील करोगे, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे, आप इमोशनली लाइट वेट फील कर रहे हो करोगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, एक बोझ हो गया है इमोशन, नहीं, ओके? यू विल फील बेटर जेमिनाइज, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज फॉर अक्टूबर 15 to 31st, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, एंड अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.